हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। सो काफ़ी टाइम के बाद आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा विंटर बेडरूम मेकओवर, जिसको मैंने ना बहुत ही कम बजट में कुछ जुगाड़ करके अपने रूम को एक कोजी लुक देने की कोशिश की है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमारा बेडरूम है ना, यहाँ पर मैंने दो कर्टेंस डाल रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे बेडरूम में ना आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा विंडो स्लाइडर लगा हुआ है ग्लास का, जिसकी वजह से हमारा बेडरूम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। तो इसके लिए हम जुगाड़ करने वाले हैं जिससे कि रूम गर्म रहे। एंड सेकेंड, इस बेड के लिए हम बनाएंगे इलास्टिक वार्मर बेडशीट, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो पहले तो ख्याल आया कि चलो एक ऑनलाइन वार्मर बेडशीट मंगवा लेते हैं, लेकिन जब प्राइस देखा तो थोड़ा हमें ज्यादा लगा। तो मेरे मन में एक आइडिया आ गया कि चलो भाई, ऐसा करके हम अपने बेडरूम के लिए एक वार्मर बेडशीट रेडी कर लेते हैं। तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, फर फैब्रिक है। एक्चुअली ये बेडशीट है जिसको हम लोकल शॉप से 350 रुपये में खरीदे हैं। तो दो बेडशीट हमें पड़ी है 700 रुपीज में। आप देख सकते हैं इसका साइज भी काफी अच्छा है। तो एक बेडशीट का हम बनाने वाले हैं कर्टेन, और एक बेडशीट का हम बनाएंगे इलास्टिक बेडशीट। हमारी विंडो स्लाइडर का जो साइज है वो है 7 फीट। तो यहाँ पर बेडशीट को हम मेजर कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं बेडशीट का जो साइज है वो पूरा 7 फीट का ही है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि विंडो स्लाइडर के साइज का ही बेडशीट का भी साइज है। हाँ, लेंथ अगर ज्यादा होती तो कट करना पड़ता, बट अब हम यहाँ ना बेडशीट को सिंपल 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं। वैसे ऑनलाइन मैंने दोनों ही चीजें सर्च करी, एक तो बेडशीट और दूसरा कर्टेंस, और दोनों ही थोड़ा रेट में ज्यादा लगे। तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हम उसे खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन उसको देख करके ना मेरे मन में आइडिया आ गया। और ये बात तो आप सभी को पता ही है कि भाई हम जुगाड़ करते हैं, और उसी जुगाड़ को ना हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, ये तरीका अपना करके आप कम बजट में बेहतरीन आइटम बना सकते हैं घर पे। तो बेडशीट को जो 2 पार्ट्स में कट करा था ना, उसके साइड वाले पार्ट को ट्विस्ट करके इस तरह से स्टिच कर लेना है, लाइक दिस। अब आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, ना ही रिंग्स लगाना है, ना ही ट्विस्ट करके स्टिच करना है। बहुत सिंपल है। जस्ट यहाँ पर मैंने लिया है ये वेलक्रो टेप। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, वो भी कम बजट में। जहाँ पर बटन्स वगैरह मिलते हैं ना, वहीं पे ही ये मिलेगा आपको। तो देखिए, इस तरह से टेप को ना कर्टेन के ऊपर साइड पे हम स्टिच कर लेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि वेलक्रो में 2 टेप होता है। एक टेप को मैंने इसमें लगाया है, और दूसरे टेप को हम लगाएंगे इस वाले कर्टेन में। अब ये जो कर्टेन आप देख रहे हैं, ये टिश्यू का कर्टेन है। इसको समर्स में जब हम अपने बेडरूम में डालते हैं ना, तो रोशनी ज़्यादा आती है, और विंटर्स में तो हम इसका यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों सीजन में इसको हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहे हैं। वेलक्रो का जो दूसरा वाला टेप है, इस तरीके से इसमें भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, वेलक्रो लगाने से हमारे लिए ये बेनिफिट हुआ कि इस कर्टेन को हम 2-in-1 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि विंटर है, तो वार्मर बेडशीट को इस तरह से इसमें लगाया है, समर्स आ जाएगा तो कोई भी पुराने कर्टेंस को या फिर पुराने बेडशीट को वेलक्रो लगा करके हम इस तरीके से इसको यूज़ में ले सकते हैं। जब मन हो आप इसे निकाल सकते हैं, और जब मन हो आप इसे लगा सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इलास्टिक वार्मर बेडशीट। तो सबसे पहले हम इस बेडशीट को डालेंगे बेड पे। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद एक्स्ट्रा जो निकला हुआ पार्ट है ना, उसका हम साइज लेंगे। ऐसे तो सबकी बेडशीट का साइज अलग अलग होता है, किसी का 8 इंच होता है, किसी का 7 होता है, किसी का 5 होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, 5 इंच एक्स्ट्रा जो साइज निकला हुआ था ना, उसको हम कट करेंगे चारों तरफ से। बेडशीट के चारों तरफ ये जो इंटरलॉकिंग की गई है, इसको हम यहाँ पर खोल रहे हैं। देन बेडशीट को फोल्ड करके बराबर तरीके से इसको स्प्रेड करा है, चारों कॉर्नर को बराबर तरीके से हमें रखना है। उसके बाद 5 इंच मार करके हमें कट कर लेना है, लाइक दिस। कट करने के बाद ना, अब हमें इन चारों कॉर्नर को स्टिच करना है। एंड मेक श्योर बेडशीट को हमें उल्टे साइज से ही स्टिच करना है। और ये देखें, स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका कॉर्नर रेडी हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो यहाँ पर 1/2 इंच साइज की इलास्टिक हम यूज कर रहे हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी आपको। स्टार्टिंग में इलास्टिक को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है ताकि मूव ना कर सके। उसके बाद ट्विस्ट करते हुए पूरे में लगाते जाना है। इस बेडशीट का जो साइज है वो 7x6 फीट है, और पूरे में इलास्टिक लगाना थोड़ा पेशेंस वाला काम था, लेकिन ट्रस्ट मी, कम्प्लीट होने के बाद ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब हमने इसको मैट्रेस में डाला
करूंगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके मन मुताबिक नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर आप में DIY करने का हुनर है ना, तो उसे आप अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। ये होता है फायदा खुद करने का। तो देखिए, पूरे में इस तरह से लगाने के बाद एक्स्ट्रा बची इलास्टिक को हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे। तो जितनी बड़ी बेडशीट हमारी थी उसके हिसाब से इलास्टिक को इसमें सेट करा और बाकी को कट करके हटा दिया। चलिए, बेडशीट तो हमारी रेडी हो गई है। अब इसके कॉर्नर से जो कपड़े को मैंने कट करके निकाला था ना, तो इसका भी हम यूज करके एक इंटरेस्टिंग सा DIY करने वाले हैं। तो पहले हम इस तरीके से इन दोनों कपड़ों को रखते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी डेली वेयर सैंडल है जो थोड़ा दिखने में पुरानी सी लगने लगी है, तो इसको हम बनाने वाले हैं विंटर सैंडल। तो सबसे पहले हम इसके साइज को मेजर करके एक पेपर में कट कर लेंगे, ताकि इसकी हेल्प से हम कपड़े को मेजर करके कट कर सकें। एक्चुअली विंटर सैंडल जो मार्केट में मिलती है ना, उसको आप वॉशरूम में पहन के नहीं जा सकते, किचन में पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि उसका सोल ना भीग जाता है, तो वो बड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है और जल्दी गंदी भी हो जाती है। तो जो भी आपके पास पुरानी सैंडल हो या फिर स्लीपर हो, तो उसको आप ना इस तरीके से रीयूज में ले सकते हैं। देखिए, ऐसा करने से आपको कई बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक तो पुरानी सैंडल आपकी रीयूज में आ गई, ओल्ड वार्मर फैब्रिक का यूज हो गया और आपके इसमें पैसे भी बच गए। अच्छा, मार्केट वाली जो विंटर सैंडल होती है ना, उसको आप वेट वाली जगह पे नहीं पहन के जा सकते, क्योंकि उसका सोल ना भीग जाता है। और अगर आप इस तरीके से पुरानी स्लीपर का रीयूज करके विंटर सैंडल बनाएंगे ना, तो इसको आप आराम से किचन हो या फिर वॉशरूम हो, तो ऐसी जगह पर आप आराम से जा सकते हैं। बट मेक श्योर ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, उसे आपको बचा के रखना पड़ेगा। और फिर विंटर के टाइम तो कोई भी चीज हो, सूखने में टाइम भी लगता है। तो देखिए, स्लीपर में फैब्रिक को स्टिक करने के लिए फेवी बॉन्ड ग्लू का यूज किया, क्योंकि इससे बहुत ही स्ट्रांग तरीके से स्टिक हो जाता है, भीगने से भी ये नहीं निकलने वाला है। और ऊपर वाले पोर्शन में फर वाले फैब्रिक को इस तरीके से स्टिक करा और बाकी जो छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे उससे डेकोरेट कर दिया। ये जो हमारा फर का स्टोल आप देख रहे हैं ना, इसके साइड ये बॉल्स लगी हुई थी, तो इसको भी इस तरीके से स्लीपर में लगा दिया, ताकि ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हो जाए। और आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल आउटकम आया है, कोई नहीं पहचानेगा कि हमने पुरानी स्लीपर का रीयूज करके ये विंटर स्लीपर बनाया है। अब आपको कैसा लगा ये आइडिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये है स्टोल जिसको हम मार्केट से 100 रुपए में लेके आए थे, बट इसको हम अपने यूज के लिए नहीं खरीदे हैं, और इसका हम यूज करके बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा पिलो कवर। ये फर मटेरियल वाले जो फैब्रिक आते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो देखें आपको महंगे फैब्रिक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, स्टोल को खरीदें। इसका साइज होगा अराउंड 6x2 feet के करीब। पैसे को देखते हुए इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, आप इसका मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। स्टोल को आप कई सारे खरीद करके ज्वाइन करके एज अ बेड थ्रो, सोफा थ्रो बना सकते हैं, कुशन कवर, पिलो कवर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टोल से 2 पिलो कवर बना लिया, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। सो आई थिंक दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क। मेरे पैसे भी बच गए और दिखने में भी ये एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल लगे। फाइनली ऑल DIY डन। अब शुरू करते हैं मेकओवर करना। तो सबसे पहले हम यहाँ से कर्टेंस को हटाएंगे। ये है विंडो फिल्म जिसको हमने अमेजन से बाय किया है। इसको स्पेशली हम लगाने वाले हैं अपने ग्लास के विंडो पे। वैसे इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। एंड चलिए दिखाते हैं इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। सिंपल, पहले ग्लास को अच्छी तरह से क्लीन करना है, देन पूरे ग्लास में वाटर स्प्रे करना है। और पता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ना ही इसमें कोई ग्लू लगाने की जरूरत है और ना ही इसमें कोई एडहेसिव लगा हुआ है। जस्ट यहाँ पर फिल्म लिया है, इसके बैक लाइनर को इस तरीके से रिमूव करना है और धीरे से उठा करके ग्लास पे इसे रख देना है। ये ऑटोमेटिकली स्टिक होता जाता है। पूरी तरह से स्टिक होने के बाद इसके साथ ना इस तरीके का एक स्पैचुला मिलेगा, इसी की हेल्प से जितने भी एयर बबल्स और वाटर है ना, निकाल देना है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये स्टिक होने के बाद तो निकल सकता है? बिल्कुल नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसको हाथ से पकड़ के नहीं निकालेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर स्पेशली इसलिए लगाया है, एक तो हमें प्राइवेसी चाहिए थी, एंड सेकेंड हमारी विंडो भी खूबसूरत लगने लगी। और इस फिल्म को लगाने के बाद आपको ये खास दिखेगी कि जैसे ही इसमें सनलाइट पड़ती है या फिर कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है, तो इसमें मल्टी कलर्स के शेड भी आपको दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करने के बाद ये वेस्ट हो जाएगा, अगर आपको दूसरी जगह पे लगाना है इसे, तो दोबारा से इसका रीयूज भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम डालने जा रहे हैं यहाँ पर DIY कर्टेंस।
तो कैसा लगा हमारा ये जुगाड़ू विंटर वाला कर्टेन, जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम को विंटर में एक कोजी लुक देना चाहते हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कर्टेन्स हेवी डालिएगा, सेकंड आप अपने मैट्रेस पे हीटिंग शीट जरूर डाल के रखें। ध्यान रखिए हीटिंग बेडशीट यूज करने के बाद कॉटन बेडशीट का जरूर यूज करें, देन आप वार्मर या फिर सिंथेटिक बेडशीट का यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो टेम्परेचर हाई होने पर बेडशीट जलने का डर हो सकता है। अगर आपके पास वार्मर बेडशीट नहीं है तो पुराने ब्लैंकेट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलास्टिक वार्मर बेडशीट बनाने का हमारे लिए ये फायदा हुआ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा जम करते हैं, खासकर बेड पे, जिसकी वजह से ना सिलवटें आ जाती हैं, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और बार बार हमें ठीक भी करना पड़ता है। तो इलास्टिक बेडशीट कवर बनाने का ये फायदा होता है। और ये देखिए स्टोल से बना हुआ पिलो कवर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर हमने लिया है ये जॉर्जेट मटेरियल का फैब्रिक और इसकी हेल्प से हम बेड के ऊपर साइड डेकोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक हुक लगा के रखा है, इसको फिक्स कर दिया है और इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करते हुए दूसरे साइड पर भी हुक में इसको लगा दिया। ये है व्हाइट रोज फेरी लाइट, इससे हम थोड़ा सा इसको डेकोर करेंगे। बेड के साइड पे हमारा ये DIY साइड टेबल है और इस पे हम रख रहे हैं ये DIY लैम्प शेड। ये मैंने कुछ टाइम पहले छोटा सा ड्रीम कैचर बनाया था, तो इसको अब हम पिंक रिबन के हेल्प से इस वाले हुक में हैंग कर रहे हैं। ये है हमारे DIY वॉल क्लॉक, तो इसको अगेन यहाँ पर मैंने हैंग कर दिया है। जो भी प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन बाय किए हैं उन सभी का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वहां से जाकर के आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चीजें जहां सेट होती गई, जहां अच्छी लगी, वहां पर हमने उन चीजों को सेट करा, डेकोर कर दिया और इन सारी चीजों को देखते हुए लास्ट में बचा फ्लोर, तो उस पे कारपेट डाल के जरूर रखें। बेडरूम ज्यादा बड़ा तो हमारा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी सेट ही रखा है। बाकी यहाँ पर बेड को थोड़ा सा डेकोर कर रहे हैं पिलो से, लास्ट में डाल देंगे इस बेड थ्रो को। नाउ मेकओवर इज डन, लेट्स सी द फाइनल मेकओवर। और ये था आज का हमारा विंटर बेडरूम मेकओवर वीडियो। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, बाय एंड एंजॉय द फुल वीडियो।